नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आंसर देखो। पर देखिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अली बात है कि राजस्थान गृह विभाग ने कांस्टेबल भर्ती की घोषणा कर दी है। देखिए क्या प्रेस नोट निकाला गया है, कुल पद 5,000 पर जो भर्ती घोषणा की गई है उसमें प्रेस नोट क्या रहा है, उसके बारे में पूरी डिटेल्स हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि क्या क्या रहेगा, कुल कितने पदों की प्रस्ताव रखा गया था और कितने पदों के लिए अब निकाली गई है। 5,000 पद जो निकाले गए हैं वो कब तक फुल अप करने के चांस हैं इसको देखते हैं, कब तक इसका फॉर्म जो चालू हो जाएंगे कब तक, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है वीडियो में, राजस्थान पत्रिका द्वारा जो निकाली गई है खबर, उसमें 8,000 का प्रस्ताव था। ये खबर निकाली है आज के 8,000 का प्रस्ताव था, लेकिन राज्य में 5,000 कांस्टेबलों की भर्ती के आदेश हैं। राजस्थान पुलिस में 5,000 कांस्टेबल की भर्ती होगी, इसके लिए वित्त विभाग को हरी झंडी मिल चुकी है। गृह विभाग ने बुधवार को आदेश जारी कर दिए, इसके बुधवार को ये आदेश जारी हो चुके हैं। 8,000 पदों की भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन इसके विपरीत सरकार ने बजट में 4,000 कांस्टेबल की भर्ती को घोषणा की थी और रिक्त पदों के आकलन के बाद 5,000 पदों की भर्ती करने का निर्णय लिया गया है। ये आदेश जारी होने के बाद प्रक्रिया पूरी करेगा मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय भर्ती की प्रक्रिया पूरी करेगा, यानी कि जो अब जो वो भर्ती की प्रक्रिया होगी वो पुलिस मुख्यालय के पाले में है, तो इसकी प्रक्रिया वो पूरी करेगा। इस बार भर्ती जिलेवार होने के बजाय बोर्ड की ओर से राज्य स्तर पर ही की जाएगी, यानी कि जिलेवार भर्ती नहीं होगी, अब की बार जो भर्ती होगी वो राज्य स्तर पर होगी और पदों को आवंटन जिलेवार मिलेगा, पदों का जो आवंटन किया जाएगा वो जिलेवार किया जाएगा। गृह विभाग ने जो निकाला नोटिस उसके बारे में बात करें, राजस्थान सरकार गृह विभाग जयपुर दिनांक 7/8/2019 जो क्रमांक जो दिया गया है 04/02/01/2019 को महानिदेशक पुलिस और राजस्थान पुलिस जो विषय दिया गया वो दिया गया है 2019 और 20 में कांस्टेबल के रिक्त पदों पर भर्ती की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति भिजवाने के संबंध में ये जो नोटिस भिजवाया गया था गृह विभाग ने, तो आपका पत्रांक नंबर 5 पुलिस ये आपका कनिष्ठ भर्ती 2019-2011 दिनांक 211 दिनांक 1/2/19 एवं 271 दिनांक 8/2/19 और 914 दिनांक आपकी दी हुई है 8/6/2019 के क्रम में, ये इसका संदर्भ रहा था। महोदय आप इसके बारे में बताया, जो विषय अंतर्गत एवं संबंधित पत्र के क्रम में कांस्टेबल के रिक्त पदों पर वर्ष 2019 और 20 में भर्ती की वित्तीय स्वीकृति हेतु पत्रावली जो भेजी गई थी वित्त विभाग को, उसकी आईडी संख्या ये थी 10190348 और दिनांक आपको 5/8/2019 के द्वारा दिया गया परामर्श इस प्रकार है। अब ये परामर्श जो था वो किस तरह का दिया गया था, ये दिया गया था विभाग द्वारा कनिष्ठ के स्वीकृत पदों के लिए संख्या पूर्व प्रस्तावों में 7,074,084 अवगत कराई गई थी, जबकि वर्तमान में प्रस्ताव के अनुसार 75,685 अवगत कराई गई है। इस प्रकार दोनों सूचनाओं में 1,601 पदों का अंतर है, अतः विभाग को उक्त अंतर को सही कराने का परामर्श दिया जाता है और विभाग के प्रस्ताव पर कनिष्ठ के यानी कांस्टेबल के 5,000 पदों के नियमानुसार भर्ती प्रारंभ हेतु सहमति प्रदान की जाती है, यानी कि 5,000 पदों की भर्ती जो है सहमति दे दी गई है। और ये जो आईडी संख्या थी इसकी जो भर्ती क्रम में वर्ष 2019 हेतु कांस्टेबल के 5,000 पदों की भर्ती किए जाने की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है। अब ये रामनिवास मेहता जो संयुक्त शासन सचिव पुलिस में है, जो रामनिवास मेहता उनके सिग्नेचर हो रहे हैं, 7 तारीख को उन्होंने ये नोटिस जारी कर दिया था और ये गृह विभाग को सूचना दे दी गई थी। तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो भर्ती निकाली गई है वो कांस्टेबल की भर्ती जो निकाली जा रही है वो 5,000 पदों के लिए निकाली जा रही है और जिसमें जो अंतर पाया गया था पहले 4,000 ही थी, लेकिन ये अब 5,000 कर दी गई है इसकी पोस्ट, तो जल्द से जल्द इसकी भर्ती की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। और इसके क्या सिलेबस रहेगा, क्या डिटेल रहेगी, किस तरीके से फॉर्म को फिलअप किया जाएगा उसके बारे में हम पूरा बताएंगे और यहाँ हम कांस्टेबल के बारे में पूरा जो सिलेबस है उसको पढ़ाएंगे हम अपने चैनल पे। इसका डे बाई डे हम आपको इसके वीडियोज अवेलेबल करवाएंगे जो भी हैं और क्वेश्चंस जो भी पुराने जो क्वेश्चंस जो पेपर में पूछे गए वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि, और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।